हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हुआ चलता हूँ। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट आई है क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था, मगर ये वीडियो मैंने अब बना दिया आपको। तो आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या आपके ऑफलाइन एप्लीकेशंस कब तक चलेंगी और फीस आपको कैसे डिपॉजिट करनी है, क्या फीस है। तो दोस्तों, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 5 मार्च, 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं, आज है 12 मार्च। दोस्तों, क्लोजिंग डेट जो है वो 25 मार्च है, शाम 5 बजे तक। और दोस्तों, क्लोजिंग डेट जो फीस के वो है 27 मार्च, यानी कि 2 दिन बाद तक आप जो है फीस की पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल है यहाँ पर 162 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि IEDSS के अंतर्गत ये वैकेंसी है। और दोस्तों, स्पेशलाइजेशन एग्जाम्पल 14 पोस्ट अंडर विजुअल इंपेयरमेंट, 44 पोस्ट मेटाडाटेशन और 70 पोस्ट अंडर हियरिंग इंपेयरमेंट। तो दोस्तों, 44 पोस्ट है विजुअल इंपेयरमेंट में, 40 है विजुअल इंपेयरमेंट में, 44 है मेटाडाटेशन में, 78 है हियरिंग इंपेयरमेंट में। दोस्तों, यहाँ पर जो इनकी सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये, और ये सैलरी यहाँ पर इनकी 20,850 रुपये पर मंथ इनिशियली अप टू 31 मार्च। 31 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएगी एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड अप्रूव्ड बाय MHRD। और दोस्तों, ये एक्सटेंड होने का जो भी है वो जो इनका फंड है वो अप्रूव होगा MHRD से, तो उसके बाद की चीज़ें हैं। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ चलता हूँ कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है हरियाणा, जो हरियाणा के अंतर्गत निकली हुई है। और आपको यहाँ मैंने चीज़ें बता दी कि कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट वाइस बताता हूँ चलता हूँ आपको कि कहाँ पर कितनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्पेशल एजुकेटर विजुअल इंपेयरमेंट में है 40, स्पेशल एजुकेटर मेटाडाटेशन में 44 और स्पेशल एजुकेटर हियरिंग इंपेयरमेंट में है 78। तो दोस्तों, ये टोटल 162 पोस्ट। यहाँ पर आप देख लीजिए SC की 18, BC A1 जो भी इनकी कास्ट का सिस्टम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल इन्होंने दिया हुआ है। और कास्ट के सर्टिफिकेट के लिए इसी नोटिफिकेशन को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी जो साइट है www.hsswp.in पर। और उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ चलता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। BEd चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में, और जो BEd के साथ साथ आपका पोस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी कि आपने BEd HI से किया है, MR से किया है या VI से किया है। तो दोस्तों, वो डिपेंड करता है। और आपके पास RCI का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी हो जाता है इसमें। एज लिमिट जो है वो 18 से 42 साल है और 20,850 रुपये आपकी यहाँ पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद एज़ पर स्टेट एजुकेशन पॉलिसी द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर TGT शुड बी मिनिमम 15% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपके। एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों वो 250 रुपये है, जो नॉन रिफंडेबल है जनरल के लिए। और दोस्तों, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं यानी कि हरियाणा के, उनके लिए 250 रुपये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अब आगे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ चलता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th और उसके बाद 10+2, मैक्सिमम वेटेज 10 में से रहेगा आपका, और जो भी परसेंटेज आपको फिल करनी है ग्रेजुएशन। और BEd देख लीजिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सारा, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। और MEd वगैरह भी जो है आपकी चल जाएगी इसमें। और MPhil यहाँ पर आप देख लीजिए, जो मैक्सिमम वेटेज आपको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। और टोटल बेस ऑन एकेडमी के 50 है, रिटर्न टेस्ट के भी 50 हैं, तो 200 टोटल हो जाता है ये 100। और इसमें से ही आपका जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए जो चीज़ें हैं, रिटर्न टेस्ट होगा विल बी कंडक्ट फॉर द CDSE मोहाली में। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट विल बी 100 मार्क्स ऑफ 2-3 आवर ड्यूरेशन ऑफ 2 टाइप्स कंप्राइजिंग 2 सेट्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टेस्ट रिलेटेड टू फील्ड स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक आपका कॉमन होगा और एक आपका होगा जो फील्ड स्पेशलाइजेशन में, यानी कि जिस फील्ड से आपका डिप्लोमा है। दोस्तों, आप यहां पर देख लीजिए, और दिस पोस्ट आर फील्ड अप प्योरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस अप टू 31 मार्च, विच आर एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अप्रूव्ड बाय MHRD। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, जो जो लोग BEd वाले हैं, जो हरियाणा से हैं, जो आसपास के हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। दोस्तों, यही अपडेट मुझे देनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। थैंक यू all of you, keep watching, keep loving, keep supporting educational hub YouTube channel।